मतलब वो जो मेट्रो उसके अंदर बछड़े खाने पड़ते हैं, बछड़े खाने पड़ते हैं। मुंबई सिर्फ पैसे वालों की है। ये आप देख रहे हैं ठीक सामने एंटीलिया यानी कि मुकेश अंबानी सर की बिल्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं हजली दरगाह। ये आप देख रहे हैं कंप्लीट 360 पैरानोमिक व्यू ऑफ मुंबई स्काईलाइन एंड हजली दरगाह। तो सीन कुछ ऐसा हो गया था दोस्तों, दरअसल मेरा जो माइक है वो खराब हो गया था, इसलिए मैं इतने दिन से एक्टिव नहीं रह पाया चैनल पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी बोया का रिसेंटली एक न्यू माइक परचेस किया है जो कि मुझे 2000 रुपीज़ में पड़ा है। और बाकी आप कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको इस माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है। और आज दरअसल आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में पूरा नज़ारा कुछ इस प्रकार से। तो आज दरअसल मैं हूँ दोस्तों ये मुंबई में, और मोस्ट प्रिसाइसली मुंबई के महालक्ष्मी स्टेशन पर। और यहाँ पर से अगर मैं आपको थोड़ा सा व्यू बताऊँ मुंबई का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कंप्लीट स्काईलाइन मुंबई की कुछ इस प्रकार से। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट स्काईलाइन मुंबई की, बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं क्लियरली। अभी ये जो स्टेशन था दोस्तों, ये महालक्ष्मी स्टेशन था। महालक्ष्मी स्टेशन से जो है आपको जो है बाहर जो है इस तरीके की जो है काली पीली टैक्सी मिल जाएंगी देखने के लिए, और शेयरिंग में जो है आप मात्र 20 रुपीज़ में जो है हजली पहुँच सकते हैं। तो चलिए अभी चलते स्पॉट पर, और वहाँ पर चलकर अभी आपको डिटेल में मैं बताता हूँ क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है हजली का। तो गाइस दरगाह को जाते समय साइड में आपको इस तरीके से स्टॉल्स देखने के लिए मिल जाते, और यहाँ से आप दोस्तों चादर वगैरह खरीद के जो है चढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर दोस्तों मुंबई में स्पेशली आज जो है वेदर थोड़ा ठीक है, यानी कि पिछले टाइम में जब आया था दोस्तों, जब मैंने व्लॉग बनाया था गेट ऑफ इंडिया एलिफेंटा केव्स का, तभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बट होपफुली आज जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम है। तो गाइस मेरे ठीक सामने अभी जो है हजली दरगाह देखने को मिल रही है मुझे, और काफ़ी शानदार नज़ारा है हजली दरगाह का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी शानदार लुक जो है आपको एंजॉय करने के लिए मिल रहा है, और बैकग्राउंड में जो है आप समंदर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो बढ़ते इसी के साथ आगे और जाते दरगाह में, और आपको बताता हूँ क्या कुछ सीन होता है दरगाह के अंदर जाके, क्या कुछ हमें एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है। सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक करके मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी अगर कॉस्टिंग की बात की जाए, तो अगर आप पुणे से आ रहे हो तो आप डायरेक्टली दादर स्टेशन उतर सकते हो, लगभग 75 रुपीज़ लग जाता है आपको पुणे से CSMT या फिर दादर स्टेशन तक के। उसके बाद दोस्तों जैसे आप दादर स्टेशन से बाहर निकलते हो, तो आपको जो है टिकट लेना पड़ता है महालक्ष्मी का। महालक्ष्मी स्टेशन उतर कर जो है आप जो है मेरी तरह कैब कर सकते हो, या फिर शेयरिंग में जो है आप काली पीली टैक्सी कर सकते हो, और उसके बाद जो है 20 रुपीज़ के अंदर आप इस शानदार से नज़ारे को एंजॉय कर सकते हो। तो टोटल अराउंड दोस्तों 150 रुपीज़ जाने का, और वापस अगर आप पुणे में रहते हो तो वापस लौटने का 150 रुपीज़, ऐसे लगभग अराउंड 300 रुपीज़ में आपका जो ये कंप्लीट शानदार टूर आप कर सकते हो मुंबई के हजली दरगाह का। बाकी यहाँ पर से आप सी व्यू एंजॉय कर सकते हैं, और अगर मैं आपको यहाँ पर बैक में बताऊँ तो यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं मुंबई की पूरी कम्प्लीट स्काईलाइन। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे दोस्तों, तो वहाँ पर जो है अंबानी का घर भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको जूम करके बता देता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं दोस्तों सामने, ये है मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर हजली दरगाह के। यहाँ पर जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा हजली दरगाह का, और मेरे ठीक पीछे साइड में यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं कम्प्लीट व्यू कुछ इस प्रकार से, इस शानदार से सी व्यू का। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है इस हजली दरगाह का और मुंबई स्काईलाइन का। और मेरे ठीक बैक साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो व्यू है समंदर का, कितना शानदार और अद्भुत व्यू यहाँ पर से आपको एंजॉय करने के लिए मिल रहा है। और इररिस्पेक्टिव टू द ह्यूमिडिटी, यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है, क्योंकि यहाँ पर समंदर का जो पानी है काफ़ी ठंडा है इस समय, और काफ़ी काम लग रहा है यहाँ पर का कम्प्लीट एनवायरमेंट। बाकी ये आप इन्जॉय करें कम्प्लीट व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है रुके हैं आगे जाके, तो बढ़ते उस टेकड़ी पर और वहाँ पर ले जाकर अभी आपको बताता हूँ क्या कुछ सीन आपको एंजॉय करने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके के आपको बड़े बड़े जो है बोल्डर्स दिखाई देंगे, तो ये बोल्डर्स जो है दोस्तों इस पर आपको ध्यान से चलकर जो है इस तरीके से आगे बढ़ना है। और ये बोल्डर्स जो है दोस्तों ये बारिश के सीज़न में और भी ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं ड्यू टू एल्गे। तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सावधानी से चलकर आगे बढ़ते रहना है, और थोड़ी देर में आप इस शानदार व्यू को एंजॉय कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से।
तो यहाँ पर बच्चे लोग वगैरह नहा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट व्यू, काफ़ी शानदार और अद्भुत व्यू यहाँ पर से हजी अली दरगाह का, ये आप देख रहे हैं कंप्लीट 360 पैरानोमिक व्यू ऑफ मुंबई स्काईलाइन एंड हजी अली दरगाह। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों कुछ लोग नहा रहे, यानी कि पूरा कंप्लीट माहौल जो है वो एंजॉय कर रहे सभी लोग। और ये भाई भी आए ले, आपका क्या नाम है? आसिफ। आप कहाँ से आए हो? जोधपुर से। आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? अस्कर। अच्छा, आप कहाँ से आए? जोधपुर राजस्थान। अरे बाप रे, काफी दूर से आए हो आप। कैसा लगा मुंबई? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो यहाँ दिक्कत है क्या? क्या रास्ते में, मतलब वो जो मेट्रो उसके अंदर बछड़े खाने पड़ते हैं, एक तो वो हलचल आ रही है और वहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं वो पैदल पैदल, उसमें पांव दर्द करने लग जाते हैं। अच्छा। और मतलब मुंबई सिर्फ पैसे वालों की है, मिनट मिनट में पैसे मांगते रहते हैं। ये बात तो सही है भाई साहब ने कि यहाँ पर ये जो मुंबई है ये पूरी महानगरी अमीरों की है, तो अगर आप गरीब है तो दोस्तों आपको थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा इस तरीके से कम्प्लीट व्यू को एंजॉय करने के लिए। और ये तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं है, जब यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो और भी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पिछले मुझे याद है पिछले टाइम में आया था गेट ऑफ इंडिया का ब्लॉग बनाने के टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड था मुंबई कंपैरेटिवली, अभी तभी थोड़ा ठीक है। तो दोस्तों ये जो पानी का जो लेवल है अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो लगभग 12 o'clock के टाइम पर जो है ये जो पानी का लेवल है वहाँ तक चला जाएगा इस प्रकार से। तो 12 बजे जो है दोस्तों ये जो लेवल है काफ़ी राइज हो जाता है, और हाई टाइड वगैरह जो है इन लोग करते हैं डिक्लेयर, तो उस टाइम पर थोड़ा रिस्की और ट्रिकी हो सकती है ये प्लेस, बट इस टाइम पर ये जो प्लेस है काफ़ी ज़्यादा काम लग रही है और शांत लग रही है। बट जैसे ही 12 बजने का टाइम हो जाता है, पौने बारह बज जाते हैं, 11:30 12 बज जाते हैं, उस टाइम पे यहाँ पर जो हाई टाइड वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो आइए आप इस प्लेस को विजिट कीजिए, बट आपके रिस्क पर आइए, और इतना कुछ रिस्क है नहीं, अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो थोड़ा सा रिस्क शामिल है, वो भी ज़्यादा बारिश का सीज़न रहा तभी, वरना ऐसे समर सीज़न में तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे लोग आगे नहा रहे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 बजे के टाइम पे यहाँ पर जो है हाई टाइड जो है स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट व्यू। अभी जो है धीरे धीरे जो है पानी का जो लेवल है बढ़ता जा रहा है, और वहाँ पे जो बंदे लोग नहा रहे उन लोगों को सभी लोग बोल रहे हैं कि पीछे आ जाओ थोड़ा, क्योंकि अभी जो है 12 बजे का टाइम होने वाला है और यहाँ पर जो है हाई टाइड का जो है टाइम हो गया है, तो अभी जो है थोड़ी देर में सभी लोग जो है पीछे आ जाएंगे। तो गाइस ये आप देख रहे हैं ठीक सामने एंटीलिया, यानी कि मुकेश अंबानी सर की बिल्डिंग, और ये जो इनका जो बिल्डिंग है दोस्तों ये सी फेसिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर समंदर आपको एंजॉय करने के लिए मिल रहा है। तो इनका जो ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटली सी फेसिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी व्यू। और इसी के साथ सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हजी अली दरगाह, यानी कि हजी अली दरगाह, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीलिया, और एंटीलिया के ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं सी व्यू। तो ये तीनों व्यू का कम्प्लीट मज़ा मैंने आपको जो है आज इस व्लॉग में बता दिया। गाइस फाइनली इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे इस शानदार से व्यू के साथ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस व्लॉग को अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग से फ्रेश टॉपिक के साथ कुछ ऐसे ही धमाकेदार तड़कते फड़कते व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चलिए टेक केयर एंड बाय।